एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये गैमेटोजेनेसिस काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नीट या मेडिकल के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आप बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे, ठीक है, और इस पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है आपको। तो हम जानेंगे कि गैमेटोजेनेसिस ये जो है टर्म हम कई बार इसके पहले वाले चैप्टर्स में भी इस्तेमाल कर चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। गैमेटोजेनेसिस एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पहला स्टेप होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं तीन भागों में बांटा गया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो गैमेटोजेनेसिस इज ए पोस्ट सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। गैमेटोजेनेसिस एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होती है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? इसमें आप देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस एक क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। वह गैमेट मेल गैमेट हो सकता है या फीमेल गैमेट होगा, लेकिन मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होने से उनके प्रोसेस के नेम भी चेंज हो जाएंगे। तो गैमेटोजेनेसिस इज जनरली टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन ह्यूमन बॉडी व्हाइल ओजेनेसिस ऑकर्स इन ह्यूमन फीमेल बॉडी। क्लियर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस इन टेस्टिस which are present outside the abdominal cavity in a pouch-like structure which is called scrotum। अब असल में स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और यह प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ह्यूमन मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको आप टेस्टिस कहते हैं उसमें होता है ये, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसके थ्रू स्पर्म यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही ओजेनेसिस, ओजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स यानी ओवम का फॉर्मेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम ओजेनेसिस कहते हैं। ओजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस। ओजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, ठीक वैसे ही ओजेनेसिस फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी के अंदर होता है। क्लियर? तो आज हम लोग डिटेल में इस स्पर्मेटोजेनेसिस को जानेंगे। इस स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नीट या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट स्टेप्स के बारे में पूछ लिया जाता है या इससे रिलेटेड कौन सा हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो हम लोग समझेंगे इसके पॉइंट्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस विच ऑकर इन टेस्टिस एंड इन दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक प्लेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इन टेस्टिस इमेच्योर जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया व्हिच प्रोड्यूस स्पर्म्स।
करा है कि टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं। इस इमेच्योर जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान समझना है आपको। टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और यह स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें 46 होते हैं। क्लियर? टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और इस स्पर्मेटोगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं। इट मींस स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? अब इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में जानेंगे। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स व्हिच माइटोटिकली डिवाइड टू इंक्रीज देयर नंबर्स। यानी टेस्टिस में जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वह सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे प्रेजेंट होता है, और यह स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोटिक या माइटोसिस दोनों एक टर्म है, माइटोसिस या माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू अपनी संख्या को यानी स्पर्मेटोगोनिया के नंबर्स को इंक्रीज करता है। क्लियर? किस प्रोसेस थ्रू? इस पर माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू हो रहा है स्पर्म के फॉर्मेशन को। तो टेस्टिस में इमेच्योर जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया होता है। ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? बहुत सारे नए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्लियर? टेस्टिस से क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया का और स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या होते हैं? डिप्लॉयड ही होते हैं, इसको ध्यान रखना आपको। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू, क्लियर? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं? दो हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? टू हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इस हैप्लॉयड सेल्स को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, ये हैप्लॉयड है तो क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें कितने होने चाहिए? तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होने चाहिए, क्योंकि ये हैप्लॉयड है। तो किसी भी डिप्लॉयड सेल में अगर रिडक्शनल सेल डिवीजन मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे। ठीक है, और यही कारण है कि जो टू हैप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हो रहा है वो क्या है? हैप्लॉयड इन नेचर होते हैं, इनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहा जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉयड होते हैं। क्लियर? तो आप देख रहे हैं टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का, बाय रिडक्शन डिवीजन। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल में फिर से क्या होता है? सेकेंड मियोटिक सेल डिवीजन होता है, यानी सेकेंड रिडक्शनल डिवीजन होता है, और इस सेकेंड रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है, और यह स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है
इस स्पर्मेटोजोआ में, यानी कि इस स्पर्म में, ठीक है, दिस स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे अंतर है। स्पर्मेटोजेनेसिस होल प्रोसेस को कहेंगे और स्पर्मियोजेनेसिस बस इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कहेंगे। व्हेन स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाइल स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ होल प्रोसेस। अब स्पर्मेटोजोआ यानी कि जो स्पर्म होता है इसका हेड पोर्शन एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। क्लियर? इस स्पर्म का जो हेड होता है वह हेड एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में। जब सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिफेरस टिबल्स। ठीक है, या स्पर्म सर्टोली सेल्स में, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, या स्पर्म सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है और उसके बाद फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम सेमिफेरस टिबल्स। ये फाइनली सेमिफेरस टिबल से रिलीज हो जाता है तो रिलीज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे तीन टर्म है जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। इन तीनों में आपको अंतर याद रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होल प्रोसेस हो गया जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म करके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। जब स्पर्म सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड होके सेमिफेरस ट्यूब से रिलीज आउट हो जाता है तो इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। क्लियर? तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस याद रखना है कि टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है। तो उनके कुछ सेल्स जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि एप्लॉयड इन नेचर होते हैं। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल सेकेंड रिडक्शन डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं? स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और यह स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ में बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। एंड दिस स्पर्म हेड एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड फाइनली रिलीज्ड आउट फ्रॉम सेमिफेरस ट्यूब्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहेंगे? स्पर्मिएशन कहेंगे। तो ये था स्टेप्स हमारा इसका स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो अब हम जानेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है ह्यूमन में। क्या 2 साल 4 साल 5 साल बच्चे में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका भी एक एज बना हुआ है और उस एज को हम कहते हैं प्यूबर्टी। क्या कहते हैं उसको? प्यूबर्टी उसको कहा जाता है। क्लियर? तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कह रहा है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन किसी भी एज में नहीं हो सकता है, ये पार्टिकुलर एज में होता है, उस पार्टिकुलर एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उस पार्टिकुलर एज को? प्यूबर्टी कहते हैं। और इस प्यूबर्टी एज में स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लेवल में इंक्रीज होने के कारण स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये ऐसा रिलीजिंग हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से सीक्रेट होता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। गोनेड्स की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो रही है, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज होता है प्यूबर्टी के समय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस सिक्रेट हो गया आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ टू हार्मोन्स, और इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है। क्लियर। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्यूबर्टी के समय इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यह हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है और उसमें वर्क करने के कारण एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिनका नाम है LH और FSH। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। समझी बात, एक बार और ध्यान सुनिए। प्यूबर्टी के समय ही स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होगा? जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क करता है और उससे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिसको LH और FSH कहते हैं। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। अब ये LH और FSH का वर्क हम देखते हैं क्या है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क ऑन लेडिंग सेल्स, टेस्टिस का जो लेडिंग सेल होता है उस लेडिंग सेल पे ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वर्क करता है। आपको याद रखना है यहां से LH और यहां से लेडिंग सेल, LH लेडिंग सेल पे वर्क करता है और लेडिंग सेल पे जब वर्क करता है तो क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल्स पे वर्क करता है और इस लेडिंग सेल्स के द्वारा किसका हार्मोन का सिंथेसिस होने लगता है, एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस होने लगता है। अब ये एंड्रोजन हार्मोन इस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने लगता है, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए ये क्या सीक्वेंस है। प्यूबर्टी समय गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, वह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी वर्क कर रहा है जिससे LH और FSH निकल रहा है। ये LH लेडिंग सेल्स पे वर्क करता है और लेडिंग सेल से कहता है अरे भाई अब तुम जो है क्या करो, एंड्रोजन हार्मोन का सिंथेसिस करो। और ये एंड्रोजन हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को, यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने का काम एंड्रोजन हार्मोन या जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं वह इसके लिए जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ FSH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस हार्मोन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स, ये सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है और सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स। ये सर्टोली सेल्स के द्वारा सम फैक्टर्स का सिक्रीशन होता है जो हेल्प करता है इस स्पर्मियोजेनेसिस में। किसमें हेल्प कर रहा है, इस स्पर्मियोजेनेसिस में, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो फैक्टर्स सिक्रीट होते हैं सर्टोली सेल्स के द्वारा। कब सिक्रीट होंगे, जब FSH उनको क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। क्लियर। तो ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, जो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी टेस्टिस में होता है। तो गैमेटोजेनेसिस आज का टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। गैमेटोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसके थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, या दो टाइप स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन, ओजेनेसिस द्वारा ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, ओजेनेसिस ओवरी में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व थे, इसको हमने समझाया आपको, ठीक। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिटेल में जानेंगे, उस स्ट्रक्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नेट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओजेनेसिस स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।